हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि Apgbeautyzone से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मेकअप लुक जिस मेकअप लुक को आप किसी भी पार्टी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो, पर उसके साथ एक आपका सजेशन है इस मेकअप लुक में कि अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन, ब्लैक हेयर्स, डार्क सर्कल या ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है आपके स्किन पे, तो आप उसको कैसे हाइड करके मेकअप करो जिससे आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कुछ ओवर ओवर से लगा के अपने फेस को ब्राइट लाइट कर लिया है या मेकअप लगा के आप आ गए हो। तो आज की इस वीडियो मैंने यही करने की कोशिश की है। तो चलिए फटाफट से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है, जो कि हमारे सारे दाग धब्बों को अच्छे से हाइड करके एक परफेक्ट मेकअप लुक देगा हमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ लकमे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया मैंने और उसके बाद अपने मेकअप की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। ये भी लकमे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर है। और प्राइमर लगाने के बाद ही हमारा मेकअप जो है वो स्टार्ट होता है। तो मेकअप प्राइमर हो गया है हमारा। प्राइमर के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल को हाइड। वैसे हमारे फेस पे सिर्फ डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं उसी को हाइड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप पिगमेंटेशन या पिम्पल्स के दाग या डार्क सर्कल को हाइड करके मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो यूज़ किया ये NYB का कलर कैरेक्टरिस्टिक था और ये थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर था। इसका कलर और शेड नंबर जो है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लेना है तो ये purple.com पे बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह मैंने उसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया कलर करेक्टर को, और उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ कॉम्पैक्ट से उसको कर ले रही हूँ सेट, ताकि वो अपनी जगह से हटे ना। फिर मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। जब भी आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम हो डार्क सर्कल की, लेकिन आपके फेस पे अगर ब्लैकनेस है, जैसे डार्क सर्कल जो होता है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है, अगर आपको पिंपल्स के दाग जो हैं वो ब्लैक ब्लैक से हैं या फिर माउथ लिप्स के अराउंड जो होते हैं ना वहाँ पे ब्लैकनेस हो जाती है, इन सब चीज़ों को आप हाइड कर रहे हो, तो आपको ऑरेंज कलर करेक्टर को यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके फेस पर रेडनेस वाली प्रॉब्लम है, पिंपल्स के दाग हैं वो भी रेड हैं, आईज़ के पास भी रेडनेस है, लिप्स के पास भी रेडनेस है, तो आप रेडनेस को हाइड करने के लिए कलर करेक्टर जो यूज़ करोगे वो ग्रीन कलर करेक्टर होगा, ना कि ऑरेंज कलर करेक्टर। इस तरह से आप अपने फेस के सभी डार्क सर्कल को या अपने डार्कनेस को हाइड कर सकते हो। लेकिन आपके फेस पे अगर ब्लैक वाली डार्कनेस है तो उसको आप इस तरह से हाइड करके मेकअप करोगे। लेकिन अगर आपके फेस पे रेडनेस की प्रॉब्लम है तो उसको हाइड करके आप मेकअप कैसे करोगे वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। पर अभी के लिए यही कि अगर आपके फेस पे ब्लैक दाग धब्बे हैं या फिर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो उनको आप ईजिली हाइड करके एक अच्छा सा मेकअप लुक कैसे क्रिएट करो वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कलर करेक्टर लगा के उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके कॉम्पैक्ट से सेट किया। उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन को भी मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का ये लिक्विड कंसीलर है। आप कोई भी कंसीलर जो आपके पास हो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रांड जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही आप यूज़ करें, बस चीज़ें वो होनी चाहिए, ब्रांड और चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपको क्या पसंद है। और कंसीलर को लगाने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर ले रही हूँ ब्लेंड। और ब्लेंडिंग आप जब भी करो तो आप टैप टैप करते हुए ही उसको ब्लेंड करो, कभी भी आपको रगड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप रगड़ के उसको ब्लेंड करोगे तो आपका जो वेस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और आपके जो डार्क सर्कल हैं या आपके ब्लैक हेड्स हैं, जो भी पिगमेंटेशन, वो कभी भी हाइड नहीं होंगे। आपको ब्लेंडिंग पे हमेशा ये ध्यान देना कि हमेशा आप उसको टैप टैप करके ही ब्लेंड करो। और यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं अपने मेकअप को कर ले रही हूँ सेट एक कॉम्पैक्ट से। कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद मैं आ गई अपने फेस पे कंटूरिंग के लिए। और कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पर NYB का कलर करेक्टर या कंटूर स्टिक है ये, और इसको मैं अपने फेस पे कंटूरिंग के लिए नोज़ पे, चिक पे, चिन पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ हमें कंटूरिंग करनी है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से हम इसको उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग कंटूरिंग की ब्लेंडिंग आप करो तो जितने जितने जगह पे हमें कंटूरिंग करनी है उतने पे हमने लाइनिंग ड्रॉ कर ली है, और हमें उतने पे ही उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना, उसको बिल्कुल बाहर नहीं फैलाना है, पूरे फेस पे उसको नहीं करना है। इस तरह से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आप देख सकते हो, इस तरह से हमेशा आप ब्लेंडिंग करो तो आपका कंटूरिंग जो है बहुत अच्छा, क्योंकि कंटूरिंग से हम अपने फेस को एक कट शेप देते हैं जो कि एक परफेक्ट शेप बनता है हमारे फेस का। तो इसलिए
और उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। फोरहेड पे आप हेयर की साइड ब्लेंड करो, और नोज़ पे जब भी आप ब्लेंड करो या तो आप पतले ब्रश की हेल्प से करो या फिंगर से करो, और ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप करो तो जो छोटा वाला पार्ट होता है नुकीला वाला पार्ट, उस साइड से आप इसको हमेशा ब्लेंड करो। आप बड़े वाले पार्ट से कभी भी ब्लेंड मत करो, नहीं तो पूरे नोज़ आपकी जो है वो पूरा कंटूर वाला कलर हो जाएगा आपके नोज़ का, तो वो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। और उसको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे पाउडर कंटूर लेके उसको अच्छे से कर ले रही हूँ सेट, ताकि वो बहुत क्रीमी क्रीमी सा और ना लगे। और इस तरह से हमारा कंटूर जो है वो हो जाएगा सेट। और सेट होने के बाद हमारा जो फिर आता है मेकअप में जो करने की बारी, वो है ब्लश की। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर ले रही हूँ, लाइट पिंक कलर। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको मैं लगा लूँगी अपने चिक्स पे, हल्का सा स्माइल देते हुए। ब्लश जब भी आप लगाओ हल्का सा स्माइल देते हुए लगाओ। और ये हमारा ब्लश जो है वो हो गया डन। अब मैं फेस पे यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ सिवाना का सिमर ब्रिक हाइलाइटर है, उसमें से मैं गोल्डन शेड लेके सिल्वर शेड लेके हल्का सा नोज़ पे मैंने फिंगर से लगा लिया। और यहाँ पे मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लगा रही थी हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइटर वाला जो ब्रश था वो लेके मैं नहीं बैठी थी, इसलिए मैंने इससे ही काम चला लिया। पर मुझे उससे भी थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने ये वाला ब्रश यूज़ कर लिया। और ये हमारा हाइलाइटर हो गया। यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ लिप को मॉइस्चराइज़, क्योंकि हमें लगाना है लिक्विड लिपस्टिक, तो हमारा लिप मॉइस्चराइज़ होना ज़रूरी है। और बेस हमारा ये कंप्लीट हो गया। बेस के बाद अब मैं यहाँ पे अपने आई मेकअप को कर लूँगी, और आई मेकअप को बहुत सिंपल बहुत ही इजी वे में करूँगी मैं, क्योंकि आज की वीडियो का मेरा जो मेन मोटिव था वो था कि हम अपने फेस पे अगर हमें ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स हैं या फिर डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशन है या पिंपल्स के दाग हैं ब्लैक ब्लैक से, तो उसको हाइड करके हम मेकअप कैसे करें, तो वही आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव था। तो इसलिए मैं आई मेकअप को बहुत ही ईजी वे में कर रही हूँ, और क्योंकि फुल मेकअप करके ही जब मैं आपको बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इस तरह मेकअप करने पे हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल हाइड हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स या ब्लैक दाग धब्बे कोई थे। तो इस तरह से, और अब मैं आई मेकअप कर रही हूँ। या आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर लेके एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से हल्का सा अपने आईज़ के जो आउटर कॉर्नर पे ऐसे क्रीज के साइड लाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेके दूसरे ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज तक ले जाते हुए उसको अच्छे से मिक्स करते हुए आई शेडो को अपने ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ये इस तरह से बहुत ही अच्छा और सिंपल सा मेकअप लुक आई का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये मेकअप लुक जो है आई का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा भी है। आप नॉर्मल में भी इसको कर सकते हो, किसी शादी पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो, हमेशा ये ऑल टाइम अच्छा लगता है। तो इसलिए, और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का आई शेडो। ये मार्स का आई शेडो पैलेट है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, पर इसकी पिगमेंटेशन ओ माई गॉड बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही बेस्ट वाला आई शेडो है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको मंगाया था, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, जो महंगे महंगे आई शेडो आते हैं ना उनको ये मात देने वाला काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत जल्द ही मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से मैंने गोल्डन कलर के आई शेडो को लगा लिया। उसके बाद फिर से अपना वही फ्लफी ब्रश लिया और ब्राउन कलर को लेके अच्छे से मैंने ब्लेंड कर ली हूँ, ताकि कोई हार्स लाइन ना दिखे गोल्डन और ब्राउन के बीच। और यहाँ पर मैं अपने ब्रोबोन को कर ले रही हूँ हाईलाइट। और ये हमारा आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा लोअर लैसेस पे भी वही ब्राउन कलर और ब्राउन और ऑरेंज दो कलर जो मैंने क्रीज पे लगाई थी वही दोनों कलर लेके अच्छे से स्मच कर लूँगी, ताकि हमारी आईज जो है वो इन्हेंस लगे बिल्कुल अच्छे से। और ये मैं यहाँ पे मैंने ब्राउन लगा लिया, थोड़ा सा ऑरेंज लगाना था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज लगा लूँगी और हमारी आईज जो है वो बिल्कुल इन्हेंस लगने लगी। और अब मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे लक्मे इंस्टा का लिक्विड आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आई लाइनर यूज़ कर लो जो आपके पास हो। और मैं यहाँ पे बहुत ही थिन आईलाइनर ड्रॉ किया है मैंने बिंग। अगर आपको थिक पसंद है तो आप थिक भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि सिंपल सा आई मेकअप, तो सिंपल सा आईलाइनर मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए। और ये हल्का सा उसको टचअप देना था, बस वो हो गया। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का वाइट कलर का काजल। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है आईज़ को, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल आईज़ थोड़ी सी अलग सी बड़ी सी दिखने लगती हैं वाइट वाला ये काजल लगाने के बाद। और अब मैं लगा ले रही हूँ यहाँ पे मस्कारा, क्योंकि डार्क सर्कल तो हमारे हाइड हो गए जो भी थे जैसे भी थे। और अगर आपके फेस पे कहीं भी ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है, सॉरी यहाँ मस्कारा लगाते टाइम थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, पर कोई नहीं, इसको बाद में मैं सही कर लूँगी, हो ही जाता है कभी कभी।
और इस तरह से हमारा आई मेकअप भी हो गया डन। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस ब्यूटी का लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक और कलर शेड तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। आप इसको डेली वे में भी लगा सकते हो, किसी पार्टी फंक्शन में भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर है। और हमारा ये मेकअप जो हो गया वो डन। इसको मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे से इसको कर ले रही हूँ सेट। और इस तरह से आप देख सकते हो कि बिल्कुल हाइड हो गए हमारे फेस पे जो भी डार्क सर्कल थे मेरे फेस पे, और कोई पिंपल्स के ऐसे दाग नहीं थे जो मैं हाइड करके आपको दिखा सकती, तो ओनली फॉर डार्क सर्कल ही थे जिसको हाइड करके मैं आपको दिखा सकती थी कि आप अपने फेस पे जो भी ब्लैक हेड्स हैं या पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल हैं या पिंपल्स के दाग हैं, उन सभी को अच्छे से हाइड करके इस तरह से आप मेकअप कर सकते हो किसी भी पार्टी फंक्शन में, बहुत ही अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख सकते हो। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। इस तरह से आप मेकअप करके किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाइए और आपके फेस पे जो भी पिगमेंटेशन या डार्कनेस की प्रॉब्लम है सारी अच्छे से हाइड हो जाएंगी और आपको बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस लुक मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।